हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल सिटी एंड क्रिएटिविटी। आज हमें मुरादाबाद सिटी में, और जिसका डिस्टेंस दिल्ली से 167 किलोमीटर और देहरादून से 204 किलोमीटर है। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश का एक शहर है। यह 1600 में मुगल सम्राट शाहजहां के बेटे मुराद ने बसाया था। मुरादाबाद पीतल के लिए बहुत ही फेमस है और पूरी वर्ल्ड में अपने हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में खुद के लिए एक खास जगह बनाए हुए है। इसे हम पीतल नगरी के नाम से भी जानते हैं। ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। अरे भाई, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं तो सिर्फ आप लोगों को ये याद दिला रही थी कि जिगर मुरादाबादी भी इसी शहर के हैं और ये लाइन उन्हीं की है। क्योंकि आपको पता होगा कि जब हम किसी शहर के बारे में अच्छी तरह जान लेते हैं तो उस शहर को घूमने का जो मजा है वो दुगना हो जाता है। दिवाली का टाइम है और ये है मुरादाबाद की मेन मार्केट। आप देख सकते हैं ब्रास के आइटम्स बहुत सारे हैं यहाँ पर। कुछ होम डेकोर के आइटम्स भी हैं जो बहुत ही अच्छे और रीजनेबल प्राइस में आप यहाँ से खरीद सकते हैं। लेकिन हम लोग आज एक्सप्लोर करेंगे यहाँ का ब्रेकफास्ट, क्योंकि हमने सुना है कि मुरादाबाद का फेमस ब्रेकफास्ट जो है वो मिलता है इस जगह। ये है बाबूराम मिष्ठान भंडार, जो एस्टैब्लिश हुआ था 1891 में। ये सबसे पुरानी मिष्ठान भंडार की दुकान है यहाँ पर, और इसकी खासियत ये है कि ये हर चीज़ असली घी में बनाते हैं। हम यहाँ से मिठाई खाएंगे, और जो आप छतरी देख रहे हैं यहीं पर बनती है मूंग की दाल। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो हमने पूरा प्रोसेस बताया है। उसी के जैसी मूंग की दाल आप अपने घर पर भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले ये बताइए विशाल जी, आप कब से काम कर रहे हैं? 15-16 साल। आप ही करते थे या कोई और भी करता था? मतलब दादा के टाइम से है ये। उसके बाद फिर आपने आपके पापा ने संभाला होगा और अब ये आपके पास आ गया। ये कौन सी दाल होती है? मूंग की दाल होती है। मूंग की दाल। और ये खुरचन का क्या राज है भाई? खुरचन मैंने सुना है कि खुरचन जरूर देते हो आप। हाँ, दाल की खुरचन होती है। ये मतलब ये भी दी जाती है? हाँ, दाल का नाम है। अच्छा, इसमें क्या क्या डालते हो आप दाल में? दाल में मसाला, जीरा है, भुनी मिर्ची, मक्खन, पनीर। अच्छा, एक पत्ता लगाओ और जब लगाओगे तब बताना कि आप क्या क्या डाल रहे हो। ये इसमें आप बटर डालते हैं पहले। अब ये दाल आप यहीं बनाते हैं या बना के लाते हैं? घर से बना के लाते हैं। मसाला, नमक, जीरा, हाँ, मिर्च। अच्छा, ये भुनी हुई मिर्ची रखी हुई है, नजर नहीं आ रहा लाइट कम होने की वजह से, मैं थोड़ा फ्लैश करके दिखाती हूँ। और ये पनीर होता है। इसके बाद आपने पनीर डाला, ये तैयार हो गया। ये मुरादाबाद का स्पेशल ब्रेकफास्ट है। चलो आप टेस्ट करके बताओ जी कैसा है। मेरी फ्रेंड है इकरा, ये हमें मुरादाबाद घुमाएगी। हेलो इकरा। इकरा, तुम टेस्ट करके बताओ ये कैसा लग रहा है। और फिर आपको बताती हूँ कि ये कैसा है। ये एक यहाँ से बाइट लेती हूँ, काफ़ी गर्म है। इस टाइम मौसम थोड़ा अच्छा है क्योंकि दिवाली का टाइम है, कल दिवाली है, और हम आज निकले हुए अपनी वीडियो बनाने के लिए। और ये मैं अब टेस्ट करके आपको बताती हूँ। ज़बरदस्त, सारे जो फ्लेवर्स हैं मसाले के वो प्रॉपर आ रहे हैं। इतना अच्छा फ्लेवर मुझे कहीं नहीं मिला। ये मेरा आज मुरादाबाद का बेस्ट ब्रेकफास्ट। विशाल, यहाँ कितने बजे से कितने बजे तक खड़े होते हो? सुबह 7 बजे से 10-10:30 तक। अच्छा, एक पत्ता कितने का है आपका? 20 रुपए का। अच्छा, इस दाल में क्या क्या डालते हो ये बताओ जरा। इसमें नमक और हींग पड़ा होता है। नमक और हींग, मतलब हल्दी मिर्च कुछ नहीं है, बस बाकी जो है वो तुम्हारे मसालों का कमाल है। मसालों में क्या क्या है?
गरम मसाला होते हैं, सब सब आइटम होता है। सब एक एक मसाला बताओ पूरा हमें, मतलब हमारे व्यूअर जानना कि ये क्या है। मिर्ची होती है, ये मिर्ची कौन सी है? वही लोहरी मिर्ची होती है, नीली है, नीली। और ये क्या है? काला नमक। एक मिनट, ये काला नमक है, भुना हुआ जीरा है, और ये गरम मसाला। हाँ, गरम मसाला। और ये धनिया मसाला। अच्छा, धनिया मसाला है। उसके साथ तुम हरी चटनी देते हो, ऊपर से पनीर, और ये नींबू का रस है शायद ना। अच्छा, और ये है मिर्चे भुनी हुई, जिनका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, क्रंची टेस्ट। दाल खाने के बाद अब बारी आई है बाबूराम मिष्ठान भंडार की गर्मा गर्म जलेबी खाने की। इनकी सारी चीज़ें असली घी में बनती हैं और बहुत ही ज़्यादा फ्रेश होती हैं। जलेबी इतनी क्रिस्पी और क्रंची मज़ेदार है, वो हम आपको खा के बताएंगे। यहाँ की ख़ास बात यह है कि ये लोग जलेबी और दाल को डिप करके खाते हैं। अब हमारे पास आई है बाबू राम जी की करारी करारी जलेबियाँ गरम गरम। इकरा जल्दी से बताओ खा के ये कैसी हैं? बहुत ही क्रंची है, एकदम गरम गरम दी है इन्होंने, और आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट ये फ्राई हुई है, शेप भी बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। वाओ, मैंने भी एक बाइट ली है, बहुत मज़ेदार है। मैं अभी भी अपनी उंगलियाँ ही चाट रही हूँ। वेरी टेस्टी इकरा, मज़ा आ गया। बाबू राम जी की ब्रेकफास्ट करने के बाद अब बारी आएगी लंच की। तो लंच में हम आपको क्या करवाएंगे ये आप जरूर देखिएगा हमारी नेक्स्ट वीडियो में। और आपको हिंट दे दूं, हम आपको दिखाएंगे मुरादाबादी बिरयानी, और वो भी आप खरीद सकते हैं 1 रुपए में। आपको ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलेगी, तो बने रहिए हमारे साथ। और तब तक टेक केयर, गुड बाय एंड कीप स्माइलिंग ऑलवेज।